हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार। काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, कॉल्स आते हैं, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो उन कॉल्स को, मैसेजेस को हम देख के फिर उस टॉपिक पे वीडियो करने की कोशिश करते हैं। तो जो बहुत मैसेज आए, बहुत कॉल्स आए रिलेटेड टू डॉबरमैन, कि सर हम डॉबरमैन डॉग लेना चाहते हैं, पर ब्रीड्स को लेके, ब्रीड्स के टाइप को लेके कि किस किस तरह के डॉबरमैन आते हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो इनके प्राइस को लेके, ब्रीड्स को लेके थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक जो जिस रेंज में, प्राइस रेंज में डॉबरमैन आते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस वीडियो में। डॉबरमैन जो है यहाँ पे इंडिया में दो स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एक तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, दूसरे यूरोपियन। अगर हम बात करें अमेरिकन स्टैंडर्ड डॉबरमैन की, अमेरिकन जो डॉबरमैन होते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, और अमेरिकन आपको जो अवेलेबिलिटी होती है वो डॉबरमैन की बहुत ज़्यादा होती है, अमेरिकन डॉबरमैन की बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इजी मिल जाएगा वो। और अगर हम उसकी प्राइस रेंज की अगर बात करते हैं तो प्राइस रेंज उसकी जाती है कई लोगों के, देखो आप ब्रीडर्स ब्रीडर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बेसिक अगर मैं बात करूं तो 20,000 से लेके 35-40,000 तक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के डॉबरमैन आपको मिल जाएंगे। इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में भी ये जो लोग बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उस स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा बेसिक जो मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ। इसमें एक लैटिन अमेरिकन करके भी एक डॉबरमैन लोग सेल करते हैं, जैसे काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूँ तो, या मुझे कॉल आते हैं वो कहते हैं जी लैटिन अमेरिकन डॉबरमैन कुछ बोल रहे हैं लोग, वो क्या होते हैं? तो वो अमेरिकन साइज से थोड़े से बड़े होते हैं और यूरोपियन से थोड़े छोटे होते हैं, जो शो स्टैंड डॉग शोज में भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से यूरोपियन से थोड़े छोटे होते हैं वो। और क्योंकि यूरोपियन डॉबरमैन अगर आप देखोगे वो तो दिखने में अलग ही, वो तो किंग की तरह दिखता है। तो अमेरिकन छोटे होते हैं, यूरोपियन लैटिन अमेरिकन थोड़े और बड़े होते हैं। तो आपको वो जो डॉग हैं जो मैंने प्राइस रेंज आपको बताई है, उस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। जो साइज है, साइज मैंने आपको बता दिया इसमें जो साइज है, और कलर इसमें आपको पता ही है डॉबरमैन में जो कलर आते हैं, लीवर कलर और ब्लैक, या फिर एक दो कलर और भी हैं वो आते हैं। तो ये आपको यूरोपियन अमेरिकन डॉबरमैन की मैंने आपको बताया। और इसी उसमें जो दूसरे डॉबरमैन है वो है यूरोपियन डॉबरमैन। इनको थोड़ा सा पहचानना बचपन में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे सारे सेम ही दिखते हैं, थोड़े अमेरिकन के थोड़े छोटे होते हैं, बट यूरोपियन, अगर आप लैटिन अमेरिकन के बच्चों को और यूरोपियन के बच्चों को देखोगे तो थोड़े मिलते जुलते होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। यूरोपियन डॉबरमैन आपको अगर लेना है तो एक बहुत ही जेन्युइन ब्रीडर से लेना पड़ेगा। जेन्युइन ब्रीडर के, मैं किसी ब्रीडर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, ब्रीडर्स के पास जाना पड़ेगा, पेपर वर्क देखना पड़ेगा, कि ब्लड लाइन्स के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या ब्लड लाइन जो है यूरोपियन है, और यूरोपियन ब्लड जो डॉबरमैन है उनके साइज, मतलब ह्यूज साइज के डॉबरमैन आते हैं, जिसको किंग बोलते हैं एकदम। अगर आपके सामने अगर वो डॉबरमैन अगर आए और एक साइड में अमेरिकन डॉबरमैन रहे, हमारा एक वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पे कुछ पुराने वीडियोस में जाओगे उसमें एक वीडियो है, उसमें अमेरिकन डॉबरमैन भी है और यूरोपियन डॉबरमैन भी है। तो यूरोपियन को देखोगे बहुत बड़े साइज का डॉबरमैन है और अमेरिकन छोटे, उसका साइज छोटा है। तो यूरोपियन डॉबरमैन अगर आप लेने जाते हो तो वो थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। मैं एग्जैक्ट अमाउंट किसी भी ना अमेरिकन का बोल रहा हूँ, कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, सर इतने का कहाँ मिलता है, या कम का मिलता है या ज़्यादा का मिलता है। कुछ ब्रीडर ऐसे हैं जो थोड़े कॉस्टली बेचते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे डॉबर अमेरिकन भी ब्रीड कर रहे हैं तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास, तो मैं बिल्कुल ये नहीं बोलता कि नहीं इतने का ही मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यूरोपियन डॉबरमैन जो है, जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, वो अगर प्योर यूरोपियन डॉबरमैन में, एक्चुअल में यूरोपियन डॉबरमैन है, तो 80,000 से अबव ही जाएगा और 1.5 लाख तक वो हो सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस में इधर उधर हो सकता है, बट यूरोपियन डॉबरमैन में ये थोड़ा सा रहता है। ये 2023 के जो अभी आप देख रहे हो उस
का मैंने थोड़ा सा कॉल करके इधर उधर थोड़ी रिसर्च की, जो मुझे रिसर्च में थोड़ा डेटा मिला, फोन पे मैंने ब्रीडर से बात की, वो डेटा आज मैं आप लोगों के सामने ये मैं बता रहा हूँ कि ये मुझे मिली। और आपको अगर यूरोपियन डॉबरमैन चाहिए तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, ब्रीडर्स के पास खुद जाना पड़ेगा, मदर फादर जैसे देखने में वीडियोज़ में हमेशा बताता हूँ, मदर फादर देखें, कोई अगर आपको बोलता है कि ये नहीं जी ये यूरोपियन है ये अमेरिकन है, तो आप पेपर वर्क उनका देख के वहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई उसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग यूरोपियन में अमेरिकन की, अमेरिकन में यूरोपियन की तो नहीं है। तो ये एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डॉबरमैन के बारे में, जो आजकल प्राइस रेंज और ये चल रही है डॉबरमैन की। और अगर किसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आप डॉबरमैन के बारे में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमारा नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरह की चाहिए डॉग्स के बारे में, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।